भरूच की सेंट जेवियर से मोहम्मदपुरा के फ्लाई ओवर ब्रिज को आखिरकार सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। भरूच के सेंट जेवियर स्कूल से मोहम्मदपुरा के बीच निर्माण होने वाले फ्लाई ओवर ब्रिज कार्य को सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। भरूच शहर में बढ़ रही ट्रैफिक समस्या निराकरण के लिए विशेष रूप से पश्चिम विस्तार के लोगों को मुख्य मार्ग पर से गुजरने के साथ ट्रैफिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शाला जाते वैसे विद्यार्थियों को भी कई परेशानी भुगतनी पड़ रही है, जहां अब सेंट जेवियर स्कूल से मोहम्मदपुरा तक 1530 मीटर लंबे ओवर ब्रिज का निर्माण होने वाला है। स्वर्णिम मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत भरूच में पहला ट्राई एंगल 1530 मीटर का लंबा और 8.40 मीटर चौड़ाई धारित वैसा फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण होने के साथ सैद्धांतिक मंजूरी राज्य सरकार की ओर से दे दी गई है, जहां 61 करोड़ से भी अधिक के खर्च से ये ब्रिज का लोकार्पण किया जाएगा, वैसी जानकारी प्राप्त हुई है। गुजरात राज्य सरकार ने शहरी विकास विभाग, शहरी गृह निर्माण विभाग द्वारा भरूच में मोहम्मदपुरा थी लईने सेंट जेवियर स्कूल सुधीनों फ्लायओवर ने आजे माननीय मुख्यमंत्रीशीए मंजूर कर दीधो छे। ₹62 કરોડના खर्चे आ फ्लायओवर तैयार थवा जई रह्यो छे। एना टेन्डर्स आउट थई गया छे अने बधी प्रक्रिया पूर्ण थई छे। फक्त PQ माटे ए गांधीनगरना डिपार्टमेंटमां आ फाइल गई छे अने आवનારા ઓછામાં ઓછા 10-15 દિવસની અંદર એ પણ જે કહી શકાય એ મંજૂરી આપણને મળી જશે અને ત્યારબાદ આપણે એ ફ્લાયઓવરનું કામ શરૂ કરી શકીશું। આ ક્ષણે ભરૂચની જનતા વતી હું માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો જેટલો આભાર માનું એટલો ઓછો છે। સાથે સાથે માર્ગ અને મકાનના માન્ય મંત્રી શ્રી ભરૂચના પ્રભારી મંત્રી શ્રી પુર્ણેશભાઈ મોદીનો પણ હું આ તબક્કે એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। સ્ટેશન રોડથી લઈને જંબુસર બાયપાસ સુધી મોહમ્મદપુરા અને સેન્ટ જેવિયર સ્કૂલ વચ્ચેનો આ વિસ્તાર એ બોટલનેક કહેવાય અને એ બોટલનેક વિસ્તારમાં જે લોકો સામે પશ્ચિમ વિસ્તારમાં રહે છે એમને કાયમ એમની રજૂઆત હતી, ત્યાંના સ્થાનિક લોકોની પણ રજૂઆત હતી, એને ધ્યાને લઈને જે ફ્લાયઓવરની પ્રપોઝલ છે એ સરકારે જે મંજૂર કરી દીધી છે, આ હું હૃદયપૂર્વકના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી પુર્ણેશભાઈ મોદી, માન્ય તમામ વિભાગના અધિકારીશ્રીઓનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું।